इस वक्त बिहार के महागठबंधन के नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। यहाँ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जहां महागठबंधन की सरकार बनने पर कृषि ऋण माफ करने, युवाओं को रोजगार देने, बंद पड़ी मिलों को चालू करवाने का वादा किया, वहीं नीतीश कुमार पर वार करते हुए कहा कि 15 सालों से करीब वो मुख्यमंत्री है लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए। कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग दिल्ली बॉम्ब फ्लाइट से बल्कि जाने हैं। हालत लोगों के लेकिन जो है कर्फ्यू पूरे देश में सबसे पहले तो आप सब पत्रकार मित्रों का को नवरात्र की एक बार फिर शुभकामनाएं। उम्मीद है कि नवरात्र उत्तेजना को खत्म कर सौहार्द और प्रेम का वास आपके मन में भी करेगा। आदरणीय मित्र, ये पूरा विवाद जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नफरत की फैक्ट्री में पिछले 48 घंटे से पैदा किया जा रहा है, आपके टेलीविजन चैनल्स और अखबार के माध्यम से हमने भी देखा। आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे प्रभारी साहब यहां मौजूद हैं, मैंने और उन्होंने और मदन मोहन झा साहब ने, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन अखिलेश जी ने पूरे तथ्यों की जानकारी लेने का प्रयास भी किया। तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली, जाले के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के, उस व्यक्ति ने कभी जिन्ना की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव नहीं किया, ये अपने आप में सरासर झूठ है। जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख मई में ये कहा कि कृपया करके आदेश दीजिए ताकि जिन्ना की फोटो एएमयू से भी उतारें और उसके बाद संसद और मुंबई हाईकोर्ट से भी उतारें। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक ना उस पत्र का जवाब दिया ना कोई आदेश दिया।